मोदी की 8 सभा, 2 रोड शो, राहुल के 3 दौरे। लोकसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी कांग्रेस का आदिवासी, युवा और महिलाओं पर फोकस। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। लोकसभा चुनाव के 4थे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर कल 13 मई को मतदान होगा। चुनाव के दरमियान प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी ने दौरे किए। वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रचार करने आए। मध्य प्रदेश में 4 चरणों के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी ने 2 गुनी सभाएं की। स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर के एक एक दौरे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनाव के 4 चरणों में मध्य प्रदेश के मात्र एक एक दौरे किए। स्मृति ईरानी 3 अप्रैल को पन्ना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नामांकन दाखिल कराने आई थी। उन्होंने पन्ना में नामांकन सभा को संबोधित करने के बाद रोड शो किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 13 अप्रैल को छिंदवाड़ा के दौरे पर पहुंचे थे। ठाकुर ने पांडुना में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सौसर में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली। राहुल का दौरा कैंसिल हुआ तो खड़गे आए। 21 अप्रैल को सतना में राहुल का दौरा प्रस्तावित था। राहुल को फूड पॉइजनिंग होने के चलते अन वक्त पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा करने पहुंचे थे। 2 मई को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मुरैना में जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 अप्रैल को गुना और राजगढ़ में सभाएं ली। वहीं सचिन पायलट ने 25 अप्रैल को उज्जैन, मंदसौर, देवास की नामांकन रैली में जनसभाओं को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव के 4 चरणों में मध्य प्रदेश में 130 सभाएं, रोड शो और बैठकें की। पटवारी करीब 21 लोकसभा प्रत्याशियों की नामांकन सभाओं में शामिल हुए। अब बात मध्य प्रदेश के नेताओं की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 197 सभाएं की। सीएम ने 55 रथ सभाएं और 142 जनसभाएं की। सीएम ने 56 से ज्यादा रोड शो किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।